एसलीपीएस परिवार को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ऊपर वाले की कृपया से आप लोग, आपका परिवार सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये दिल माए मोर आज के लाइव सेशन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। एसलीपीएस परिवार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। एसलीपीएस परिवार आज नए नए मुकाम हासिल कर रहा है, नए नए रिकॉर्ड बना रहा है, नए नए अचीवमेंट्स हासिल कर रहा है। बहुत दिन हो गए थे, मुलाकात नहीं हुई थी, तो ऐसा लगा कि एक दिन लाइव जाते हैं और अपने परिवार से, अपने लोगों से, हिंदुस्तान के सभी लोगों से कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। दोस्तों, एसलीपीएस वेलनेस, एसलीपीएस वेलनेस कंपनी में आज जब मैं अचीवमेंट्स देखता हूँ, जैसे पिछले महीने 10 गाड़ियां आई, 10 लोगों ने लग्जरी कार अचीव की, आज 150 से ज्यादा के करीब लोग करोड़पति बने, तो कभी कभी मन भावुक हो जाता है। सन 2014 को देख के, 9 नवंबर 2014 को जब हम मार्केट में आए थे और हमने कहा था कि एक दिन ऐसा होगा, सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ अगर कंपनी चलाएंगे, एथिक्स के साथ, वैल्यूज के साथ, प्रिंसिपल के साथ रहेंगे, तो लोग जरूर हम पे भरोसा करेंगे। लोग बहुत अच्छे हैं, लोग कभी गलत नहीं हो सकते, हम गलत हो सकते हैं, लोग कभी गलत नहीं हो सकते, हजारों लाखों लोग कभी गलत नहीं हो सकते, एक इंसान गलत हो सकता है लेकिन लोग गलत नहीं हो सकते। हम बताते थे लोगों को कि भाई, इंडस्ट्री ऐसे भी चलती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसे भी काम हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सच्चाई और अच्छाई काम हो सकता है। ये बातें आज मैं क्यों कर रहा हूं, ये बातें आज मैं कुछ अच्छा भी बहुत बड़ा होने वाला है। दूसरा, बहुत से हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं जो पिछले कुछ महीने में आए हैं, और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि एसलीपीएस वेलनेस की स्थापना क्यों हुई थी, किस वजह से हुई थी। दोस्तों, एसलीपीएस वेलनेस एक सोच है, ये कंपनी नहीं है, एक सोच है, एक ऐसी सोच जो 20 साल 22 साल से इंडस्ट्री के अंदर शायद ही कोई डेवलप कर पाया हो, किसी ने किया हो तो बहुत अच्छी बात है। जो नजरिया था लोगों का देखने का, कंपनियों को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, आम आदमी को, एक डायरेक्ट सेलर जाता था, लोग भाग उठते थे, छुपने लगते थे, ये लोग आ गए, ये जोड़ने वाले लोग आ गए, ये कंपनी वाले लोग आ गए, ये बनाने वाले लोग आ गए, वो जो एक दिमाग में एक नजरिया पैदा हो गया था लोगों के, नेगेटिव इमेज पैदा हो गई थी, उस नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में एसलीपीएस वेलनेस का जन्म हुआ था। और इसके पीछे कोई मकसद नहीं था, इसके पीछे मकसद था कि समाज का नजरिया बदलेंगे डायरेक्ट सेलिंग के प्रति। हम बताएंगे लोगों को कि अच्छी नीयत के साथ, सच्ची ईमानदारी के साथ, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना के, क्वालिटी प्रोडक्ट बना के, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बना के, अच्छा पैसा दे के, अच्छा पे आउट दे के भी एक कंपनी को स्टैब्लिश किया जा सकता है, जो पिछले कुछ सालों से इंडस्ट्री में नहीं हो रहा था। हजारों लीडर्स, फ्रेशर्स, लोग इस इंडस्ट्री में भविष्य लगाते थे, मेहनत करते थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते थे। उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं होती थी, उनके समर्पण में कोई कमी नहीं होती थी, दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म्स कमजोर थे, कहीं ना कहीं उन प्लेटफॉर्म्स के अंदर वो प्रिंसिपल्स नहीं थी, वो वैल्यूज नहीं थी, वो एथिक्स नहीं थे, वो तौर तरीके नहीं थे। इस इंडस्ट्री में सही पूछो तो हमेशा खेल होता रहा है। बड़े बड़े एजुकेटेड आदमी आते हैं भैया, इस इंडस्ट्री में कंपनियां बनाते हैं, दिमाग लगाते हैं और लोगों के दिमाग से खेलते हैं। बस यहीं से मेरा मिशन और मेरा विजन क्लियर हुआ कि हम देखते हैं कि दिमाग जीतने वाले आगे बढ़ते हैं, दिल जीतने वाले आगे बढ़ते हैं। तो आज
ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं खुश हूं, 6.5 साल में आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि संजीव सर दिल जीतने वाले आगे बढ़ते हैं। आज एसलीपीएस वेलनेस का टर्नओवर 2020-21 का 409 करोड़ का हुआ, जो आज तक के इतिहास में डायरेक्ट सेलिंग की 6 साल की इयर्स में किसी कंपनी का नहीं हुआ। इसका मतलब आज आप लोगों ने अपनी कंपनी को नंबर वन बना दिया। आज सही पूछे तो कि इंडस्ट्री में 6 साल में स्लिपेस नंबर वन पे चल रही है, नंबर वन पे, क्योंकि जितनी उम्र और कंपनियों की हुई है इतनी उम्र जब स्लिपेस की हो गई तो फिर तो नंबरिंग का गेम ही शायद खत्म हो जाएगा। और ये क्यों हुआ? ये आप लोगों की वजह से हुआ, ये आप लोगों के समर्पण से हुआ, आप लोगों की शिद्दत से, मेहनत से, ईमानदारी से, जो आपने मेहनत की उस वजह से हुआ। इसका मुझे कोई क्रेडिट नहीं जाता, ना ही मेरी कोई, मुझे नहीं लगता मेरी कोई विसात है क्रेडिट लेने की। मैं एक बात आपको बताता हूं, आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो कंपनियां होती है ना, ये किसी एक आदमी की कंपनियां नहीं होती। यहां पर MD CEO लिख दिया जाता है या फलाना कंपनी, कोई कंपनी मालिक नहीं होता यहां पर, कंपनी मालिक यहां जनता होती है। जनता कंपनी मालिक क्यों होती है? क्योंकि ये कंपनियां जनता चलाती है, इन कंपनियों को बड़ा जनता बनाती है, हमारा नाम सम्मान पहचान भी जनता की वजह से बनता है। और यहां पर ऐसा नहीं है, फैक्ट्री नहीं है कि चलो जी 50 मजदूर नौकरी निकाल दिए तो दूसरी फैक्ट्री में चले जाएंगे। यहां अगर कंपनी के वैल्यूज, प्रिंसिपल्स या तौर तरीके की वजह से कोई प्रॉब्लम आई लोगों को, तो लोगों के भविष्य बर्बाद हो जाते हैं। लाखों लोग यहां पर उम्मीदें लेके आते हैं, कोई BTech छोड़ के आता है, कोई MTech छोड़ के आता है, कोई BBA MBA, कोई यंगस्टर कोई नौकरी छोड़ के आता है कि हाँ मैं अपना भविष्य बनाऊंगा, हाँ मैं अपने सपने पूरे करूंगा। तो ये एक बहुत, मैं कहता हूं, सेंसिटिव बिजनेस होता है। अगर मैं ये कहूं कि यहां पर हर व्यक्ति, जो कंपनी मैनेजमेंट है, उनको एक एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है, क्योंकि यहां सिर्फ मेरे भविष्य का सवाल नहीं है, यहां लाखों करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल है, लाखों करोड़ों लोगों के। लेकिन इस थॉट प्रोसेस के साथ इस इंडस्ट्री में बहुत ही कम लोग आते हैं। मैं ये नहीं कहता कोई नहीं आता, बहुत कम लोग आते हैं। बहुत अच्छी कंपनियां भी हैं मार्केट में जो अच्छे तरीके से काम कर रही है। लेकिन एक बात मैं सबको कहना चाहूंगा आज इस लाइव के माध्यम से, दोस्तों ये इंडस्ट्री है ना अपर मिडिल क्लास की है, मिडिल क्लास की है, लोअर मिडिल क्लास की, गरीबों की इंडस्ट्री है, अमीरों की नहीं। इनके साथ खेलो मत, इनके साथ अगर दिल से काम करोगे ना तो पूरी दुनिया जीत के तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। ये इतने मजबूत, इतने हिम्मती और इतने कर्मठी लोग होते हैं। ये बात मुझे सन 2014 में समझ में आ गई थी कि लोगों के अगर दिल जीते, लोगों के साथ अगर कंधे से कंधे मिलाकर काम किया, लोगों की उम्मीदें पर अगर हम खड़े उतरे, तो एक ना एक दिन हम इंडस्ट्री पर राज करेंगे। और वो मुझे दिख रहा है कि आने वाला समय हमारा कितना स्वर्णिम समय है। अचीवमेंट्स बता रही हैं, आज अचीवमेंट्स बता रही हैं। तो दोस्तों एसलीपीएस वेलनेस में कभी किसी उस सोच से नहीं लाया था कि जिन कंपनी बनाएंगे, आइडिया बेचेंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे, नोट कमाएंगे, घर लेके जाएंगे, बंगले बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, उस थॉट प्रोसेस एसलीपीएस की स्थापना नहीं। एसलीपीएस की स्थापना हुई थी लोगों के भविष्य बनाएंगे, लोगों की जिंदगियां बदलेंगे। 20-22 साल का जो काला इतिहास है, इस इतिहास को बदलेंगे। आम जनता में जो नेगेटिव नजरिया है, इस नजरिए को बदलेंगे। इसलिए हमने कुछ अपने वैल्यूज बनाई, अपने एथिक्स बनाए, प्रिंसिपल बनाए। हमने सोच लिया कि कंपनी के अंदर हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो लोग हम पे उंगलियां उठाएं। आज ये बातें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि एसलीपीएस की क्या क्या वैल्यूज है। आज हमारी कंपनी 100% लाइबिलिटी फ्री है। ये पहली कंपनी है जिसने अपने नो वेयर हाउस भारत के अंदर खोले, अपना स्टाफ, वेयर हाउसों का रेंट, वेयर हाउसों का मैनेजमेंट सब कंपनी करती है, एसलीपीएस वेलनेस खुद करती है। आप बाजार में जाके देखो, C&F 5 करोड़, 7 करोड़ लोगों से लेके उसके बाद वो वेयर हाउस ओपन करते हैं। क्यों? क्योंकि फंड चाहिए, बिल्कुल चाहिए, करते हैं वो, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। लेकिन मैं तो कहता हूं मेरी अपनी मंजिल है, अपनी दौड़ है हमारी, एसलीपीएस परिवार की अपनी मंजिल है, हमें किससे कंपेयर नहीं करना, हमें किसी को यह नहीं बताना क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि हम क्या करते हैं, हमारी वैल्यूज क्या है। हम नहीं चाहते कि हमारी सर्विस इंटरप्ट हो किसी एक इंडिविजुअल की वजह से, इसलिए हमने अपने नो वेयर हाउस जब बोले, जिस समय भी बोले, आपको दे दी। आज 450 से ज्यादा फ्रेंचाइजी है। एसलीपीएस की फ्रेंचाइजी मॉडल कितना खूबसूरत है।
मैं तो कहूंगा कि ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल आप भी ढूंढें मार्केट में, अगर किसी का है कि आपने फ्रेंचाइजी ली, आपकी फ्रेंचाइजी चली तो बढ़िया, नहीं चली तो बढ़िया, आपके पास जितने भी प्रोडक्ट हैं स्लीपर्स वेलनेस को वापस लाके दो, अपना एक एक खरा रुपया लेके जाओ, लायबिलिटी फ्री कंपनी। हमने सबसे पहली वैल्यू यही बनाई थी कि हम हमेशा लायबिलिटी फ्री रहेंगे, किसी लीडर का, किसी का फ्रेंचाइजी होल्डर का, किसी का कोई एक रुपया हमारे पास नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति ये ना कह दे कि स्लीपर्स ने मेरा पैसा खा लिया। हमारी कंपनी से कोई जाता भी है तो हम उसे कहते हैं भैया अपने टूर के, अपने रिवार्ड के, अवार्ड के, दुबई के, थाईलैंड के पैसे लेके जा। और ये काम हम पिछले 7 साल से कर रहे हैं, 7 साल 9 नवंबर को हो जाएंगे। आज तक हमने किसी का एक पैसा नहीं रखा और ना ही हम कभी रखना चाहते। क्या क्या हुआ, हमारा बिजनेस कम आया? नहीं, हमारा बिजनेस ज्यादा आया। हम पे लोगों ने कम यकीन किया? नहीं, लोगों ने हम पे ज्यादा यकीन किया। हमें लोगों ने हाथों हाथ लिया, हमें इज्जत दी, सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दी। ये ऐसे होते हैं लोग, इसलिए कहता हूं ये जनता की कंपनी है, जनता के दिमाग से मत खेलो, उनके साथ दिल से चलो, लालच मत दो जनता को ज्यादा। ठीक है, जनता लालच से नहीं चलती, जनता मोहब्बत से चलती है। और वो हमने करके दिखाया और आगे भी करते रहेंगे और इससे भी बेहतर और बेस्ट करेंगे। तो ये हमने कुछ अपनी वैल्यूज बनाई, हमने कोई ऐसा अनिथिकल काम नहीं किया जिससे कि हमें कोई कहे हम पे लाचल लगाए कि एसलीपीएस वालों ने ऐसा किया। हमने हमेशा इथिक्स के साथ ही चले, अभी कभी समझौता नहीं किया। ये बात सिर्फ मुझे इसलिए बतानी पड़ी कि हमारी तरक्की का कारण क्या है। हमने प्रोडक्ट बनाए, 7 प्रोडक्ट, मात्र 7 प्रोडक्ट। आप सोच सकते हैं कंपनी 2014 में आती है, 9 नवंबर 2000, मात्र 7 प्रोडक्ट से आती है, 7 प्रोडक्ट जिसमें डेली उसका कोई प्रोडक्ट नहीं है। और आज वो कंपनी 81 प्रोडक्ट के साथ है जिसमें काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है। वो कंपनी आज हिंदुस्तान में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर चुकी जो 7 प्रोडक्ट से शुरू हुई थी, क्योंकि वो 7 प्रोडक्ट नहीं, जितने प्रोडक्ट है सब डेमो प्रोडक्ट रहे। हमने हमेशा फोकस किया रिजल्ट पे, हमने फोकस किया क्वालिटी पे, हमने फोकस किया कि कस्टमर ले तो जिंदगी में कहे हाँ यार किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, किसी के प्रोडक्ट में दम है, किसी के प्रोडक्ट में रिजल्ट है, मेरी ये परेशानी ठीक हुई, मेरी ये तकलीफ ठीक हुई, और रियली जो मैंने पैसा दिया वो मेरा बर्बाद नहीं हुआ। उस थिंकिंग प्रोसेस के साथ हमने प्रोडक्ट बनाया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले करनी पड़ेगी क्योंकि आज हम इस लेवल पे हैं। 6 साल में 3 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्रियां फूड सप्लीमेंट की, अपना आयुर्वेद की, टॉयलेटरी की, और अभी अगले 4 महीने में मैं आपको मसाला फैक्ट्री दूंगा, ऑटोमेटिक मसाला फैक्ट्री आपकी फैक्ट्री। अगले 3 महीने में मैं आपको एग्रीकल्चर फैक्ट्री दूंगा, आपकी अपनी फैक्ट्री। आप समझ सकते हो जब ये फैक्ट्रियां बनती होंगी, रॉ मटेरियल परचेस होता होगा, प्रिंटिंग मटेरियल परचेस होता होगा, तो कितना पैसा लगता होगा। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत आसान है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट बेचना बहुत मुश्किल है। ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग करते तो तेल निकल जाता है, दिमाग का भी और दौलत का भी, इतना पैसा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है। लेकिन मैंने पहले दिन कहा था, मेरी स्पीच सुनना 2014 में, कि ये कंपनी लोगों की है, ये पैसा लोगों का है, ये सब कुछ जो मैं करूंगा लोगों के लिए करूंगा, और जो मैंने किया है वो आपके सामने है। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मुझे इसलिए आज बोलना पड़ा कि बहुत सा परिवार है आज जो कंपनी में दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं, तो उन्हें भी पता चले कि स्लीपर्स वेलनेस कैसे काम करती है। हमने 1 रुपया अपने घर लेके नहीं गए, हमने सारा पैसा अपने लोगों के लिए लगा दिया। और आज आप जयपुर जाके देख सकते हो किस लेवल के वेयर हाउस है, किस लेवल का रॉ मेटेरियल स्टोर है, किस लेवल की फैक्ट्रियां हैं, और अब जो फैक्ट्रियां बन रही है वो किस लेवल की बन रही है, अब जो स्लीपर्स का वर्ल्ड तैयार हो रहा है वो किस लेवल का तैयार हुआ है। आज ये क्वालिटी ऐसी निकल के नहीं आती, प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटी निकल के नहीं आती, इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है, हर प्रोडक्ट को 10 बार टेस्ट करते हैं, अच्छा लगता है तो एक्सेप्ट करते हैं तो भगा देते हैं, दोबारा बनाओ दोबारा बनाओ दोबारा बनाओ, 4-4 महीने 6-6 महीने में एक एक साबुन पास होती है। ये तो बात हुई प्रोडक्ट्स की। अचीवमेंट्स की बात करें तो 150 से ज्यादा लग्जरी गाड़ी जिस कंपनी के पास है उसे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास कितनी अचीवमेंट है। एसलीपीएस परिवार आज कहां पहुंच चुका है, जिस कंपनी में 500-600 से ज्यादा लोग लाखों रुपए महीने से ज्यादा की इनकम कर रहे हैं, वहां बताने की जरूरत नहीं। लोग बताते हैं, लोगों का प्रोफाइल बताता है, लोगों का लाइफ स्टाइल बताता है। हमें बकना ज्यादा नहीं आता, हमें करके दिखाना आता है, वो हम करके दिखाते हैं और आगे भी करके दिखाएंगे। और ये परिवार एक दिन पूरी दुनिया पे राज करेगा, एसलीपीएस परिवार, और हम हर घर को नेटवर्कर बनाएंगे क्योंकि हम नेटवर्किंग का नजरिया बदली करेंगे।
ये नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव इमेज में कन्वर्ट करके रहेंगे, यही हमारा मिशन था 2014 से, यही हमारा मिशन है अगले हजारों साल तक कि हम ये करके रहेंगे। बात करें आपके पे आउट प्लान, कई बार लोग कहते हैं सर आपने इतना हैवी पे आउट बनाया, इतना हैवी पैसा बांटा, इतने टूर दिए, इतने ट्रिप दिए, आखिर इस प्लान के पीछे आपकी सोच क्या थी? मैंने कहा भाई मैं किसी सेठ का लड़का नहीं हूं, मैं एक नेटवर्कर हूं, मेरा कैरियर जो भी था वो नेटवर्किंग से बना था और मैंने नेटवर्किंग गली गली घूम घूम के साइकिल पे की है। मैं ये जानता हूं कि नेटवर्किंग में क्या बेचा जाता है। नेटवर्किंग में प्लान बेचे जाते हैं, प्रोडक्ट को नहीं रखा जाता प्राइमरी, प्लान को प्राइमरी, और ये एक तरीका गलत है धंधा करने का। सही मायने में नेटवर्किंग होती है, प्रोडक्ट प्राइमरी होता है और प्लान सेकेंडरी होता है, और दोनों इतने मजबूत होने चाहिए कि बेचने वाले को भी मजा आ जाए और खरीदने वाले को भी मजा आ जाए। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट आपका बहुत क्वालिटी का है, आप मर्चीज बेच रहे हो लेकिन रुपया 5 रुपए कमीशन मिल रहा है, तो मर्चीज बेचने में कोई मजा नहीं आएगा। मजा तब आएगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट भी दिया, कस्टमर भी खुश हुआ और अच्छा पैसा भी कमाया, तब मजा आएगा। तो ये प्लान मैंने क्या सोच के रख बनाया था, ये सोच के क्योंकि मैंने नेटवर्किंग की थी, मुझे पता है। एक व्यक्ति जब आता है तो अपने घर वालों को कहता है साहब मम्मी पापा रुको 6 महीने में दुनिया बदल के दूंगा, लेकिन 6 महीने क्या, साल भर जितना पैसा आता उतना लग जाता, दुनिया नहीं बदलती। तो मैंने रैंक बनाए, बोनस बनाया, मैंने कहा भाई सेल्स इंसेंटिव कमीशन उड़ता रहे, एक नेटवर्क का सबका उड़ता है 3 साल तक, जितना आता उतना चला जाता है, पर बोनस से वो और वो बच्चा 4 महीने में 5 महीने पर घर पे जाके 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए दे, तो उसकी माँ को पापा को विश्वास होगा, जो परिवार उसके साथ नहीं है वो भी साथ खड़ा होगा, इसलिए बोनस बना। दोस्तों चूंकि लोग कहते हैं कि SLPS भी कॉमन कंपनियों की तरह काम करती है, ना 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 ना, SLPS अनकॉमन है, SLPS अथॉट है, SLPS एक सोच है। किसी ने पूछा कि सर मैं आपके नियत को कैसे समझूं, मैंने कहा नियत समझने के लिए बातें मत सुन, कर्म देख, काम देख, काम बताएगा इंसान का नियत कैसी होती है। अरे अच्छी बातें टॉफी लॉलीपॉप तो कोई भी दे देगा, स्टाइल में बात तो कोई भी कर लेगा, लेकिन कर्म करके दिखा तब पता चलता है नियत किसे कहते हैं, सच्चाई ईमानदारी किसे कहते हैं। आज इस प्लान को देख, प्रोडक्ट को देख, लिक्विड प्रोडक्ट, लिक्विड पैकेजिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लीकेज, यही चीज अगर मैं नहीं बनाता तो मुझे कितनी सस्ती पड़ती, अगर मैं ट्रेडिंग करता किसी भी फालतू फालतू मैन्युफैक्चर से लेके बेचने लगता तो कितनी सस्ती पड़ती और मेरा क्या प्रॉफिट मार्जिन होता। प्लान को देख कि प्लान में रैंक इनकम क्या है, बोनस इनकम क्या है, ट्रिप्स क्या है, लॉट्स क्या है। एक से मैंने कहा, एक ने मुझसे पूछा कि सर फैमिली ट्रिप क्यों दी आपने, मैंने कहा मैं नेटवर्क करूं, जब मैं नेटवर्किंग करके रात को अपने घर जाता था तो मेरी वाइफ 12 बजे खाना बना के देती थी, जब मैं सुबह उठता था तो बच्चे स्कूल जा चुके होते थे, एक एक हफ्ता एक एक महीना हम अपने बच्चों को देख नहीं पाते, इतनी मेहनत करते हैं नेटवर्कर्स, तब जाके करियर बनता है। तो क्या उन परिवार का कोई योगदान नहीं है? अगर मैं चाहता तो एक दुबई का ट्रिप देता, 40,000 में जाता एक आदमी, 1,20,000 क्यों देने थे, 1,60,000 क्यों देने थे, 1,60,000 के 4 टिकट क्यों देने थे, क्यों? ये कंपनी यहां से नहीं, यहां से बने। जैसा मेरा परिवार, जैसे मेरे बच्चे, जैसे मेरे माँ बाप, ऐसे हर SLPS परिवार में जो व्यक्ति आएगा वही रिगार्ड वही रिस्पेक्ट उनका है जो हमारा, हमारे बच्चों का, हमारे माँ बाप। एक लीडर को मैं भेजता तो भी धंधा उतना ही लाता हूं, अगर मैं दुबई ट्रिप क्या कहता भी भाई तेरा ये रैंक हो जाएगा सफायर और तुझे दुबई जाना है तो उतना ही धंधा लाता, धंधे में कमी नहीं होती। लेकिन फिर क्यों? क्योंकि मुझे ये फैमिली बिजनेस बनाना था, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान के परिवारों को पॉजिटिव करना था। आज जिसकी शादी नहीं होती अपने माँ बाप को दुबई घुमाने जाता है, स्विट्जरलैंड घुमाने जाएगा, क्या कहता होगा जब उसके माँ बाप आते होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कर बेटा, वाकई में ये बिजनेस है, वाकई में यह सपने पूरे होते हैं, यहाँ वाकई में ड्रीम पूरे होते हैं, जहां बाबा आप बच्चों के सामने खड़े हो जाते थे, आज SLPS वेलनेस में जब लोग काम करते हैं बाबा आप साथ खड़े होते हैं, ये हमने कमाया। हमने पैसा क्या कमाया है वो अलग है, क्या कमाया क्या नहीं कमाया, क्या नेटवर्क है वो अलग बात है, लेकिन जो हमने कमाई है इंसानियत कमाई है, हमने लोग कमाए हैं, दौलत बेशक हमने नहीं कमाई लेकिन आज हमने लोग कमाए हैं। और ये बात आज मुझे इसलिए करनी पड़ी, मेरा दिल कर रहा था, बहुत से नए लोग आए उन्हें पता ही नहीं कि SLPS है क्या, वो सोच रहे वही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट प्लान ये वो, बस नहीं दोस्तों ये SLPS का स्वरूप नहीं है, SLPS एक सोच है,
एसलीपीएस एक पॉजिटिव नजरिया है हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। एसलीपीएस एक मिशन है लोगों की कामयाबी, लोगों को कामयाब करने के लिए, लोगों को सफलता तक पहुंचाने के लिए कम से कम समय में। आज ये जो अचीवमेंट्स आ रही है, किन आ रही है, तकरीबन मैं देखता रहता हूँ फेसबुक पे कुत्ता बिल्ली के झगड़े होते रहते हैं, ये कंपनी वह कंपनी का इसके बारे में बुरा बोलता है, वो इसका क्यों बोलते हो, क्यों बोलते हो किसी के बारे में बुरा, क्यों इसका लीडर यहाँ आ जाए, इसका लीडर वहां चला जाए, बस लीडरों के चक्कर में रहे, लीडरों के चक्कर में रहना। अरे अगर अच्छे प्रोडक्ट बनाओगे, हर फ्रेशर नेटवर्कर बनता है, हर फ्रेशर लीडर बनता है। आज एसलीपीएस वेलनेस में जितने भी लोग अचीवमेंट में, करोड़ों की अचीवमेंट में 20-20 पांच पांच आठ आठ दस दस करोड़ कमाए हैं, 20-20 करोड़, वो किसी के लीडर नहीं है, किसी कंपनी के फेलियर्स हैं, सुपर फेलियर्स। वो आके इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस हुए, यहां से पता चलता है कि एसलीपीएस का प्लेटफॉर्म क्या है, ये कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म है। क्योंकि इंडस्ट्री का इतनी प्यारी खूबसूरत इंडस्ट्री है, पूरे देश का बेरोजगार मिटा सकती है, हर बच्चे को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, लेकिन इसको इतना गंदे तरीके से किया जाता है, ऐसी ऐसी बातें आके वो उसके बारे में बोल रहा है, वो उसके बारे में बोल रहा है कि उसका लीडर यहाँ आ जाए, उसका लीडर, क्यों चक्कर में पड़े हो, क्यों चक्कर में पड़े हो, फ्रेशर को लीडर बनाओ, हर घर को कंज्यूमर के बना के फिर नेटवर्कर बनाओ, ऐसे प्रोडक्ट बनाओ, ऐसे पे आउट प्लान बनाओ, ऐसी क्वालिटी दो, ऐसा रिजल्ट दो, दिमाग उसे क्यों खेलते हो, लोगों के दिल के साथ चलो, लोगों के, लोगों की थॉट प्रोसेस के साथ चलो, ये हमारे ही लोग है, पाकिस्तान के नहीं है, भारतीय हैं, क्यों इनके साथ खिलवाड़ करते हो। मैं ये बात क्यों कहता हूं, क्योंकि जब इंडस्ट्री गंदी होती देखता हूं तो मेरा मन तड़पता है, क्योंकि ये रोजगार देने की इंडस्ट्री, सारी कंपनियां अच्छी है जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, सभी लोग अच्छे हैं, 20,000 करोड़ का साइज है इस इंडस्ट्री का। फिर कहते हैं जी हमारे लिए गवर्नमेंट ये करे वो करे, अरे इसे 20 लाख करोड़ का साइज बनाओ, गवर्नमेंट तो तुम्हारे घर पे चल के आएगी, हर प्रेशर को नेटवर्कर बनाओ, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतना बड़ा हिंदुस्तान, 20,000 करोड़ का साइज क्यों है, क्योंकि ये लीडर लीडर खेलते हैं, मेहनत करने की हिम्मत नहीं, ट्रेनिंग देने की हिम्मत नहीं, लोगों को एजुकेट करने की हिम्मत नहीं, लोगों को सिखाने की हिम्मत नहीं, लीडर लीडर खेलो, लीडर लीडर, अरे फ्रेशर को लीडर बनाओ। आज एसलीपीएस में अगर 150 डायमंड है तो उसमें 100 फ्रेशर है, 80 फ्रेशर है, जो डायमंड है, इसे कहते हैं अचीवमेंट, इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर दी गई एजुकेशन की वर्थ, तब होगी रियल डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में। बहुत बड़ा पोटेंशियल है दोस्तों, अमेरिका में लाख लाख, दो दो तीन तीन लाख करोड़ के टर्नओवर है, 33 करोड़ का देश है, यहाँ 20,000 करोड़ का टर्नओवर है, क्यों, क्योंकि लीडर लीडर खेलना है, एक दूसरी कंपनी को वो करना है, इसको डिग्रेड करना है, इसको अपग्रेड करना है, अरे भाई अपनी अपनी दौड़, अपनी अपनी मंजिल है, अपना अपना काम करो यार, कंपटीशन करना अपने प्रोडक्ट के साथ करो, अपनी पैकिंग के साथ करो, अपनी क्वालिटी के साथ करो, अपने रिजल्ट के साथ करो, अपने पे आउट प्लान के साथ करो, अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप को बेस्ट बनाओ, जिसकी हम कोशिश करते हैं, कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ये कोशिश कहां तक लेके जाएगी, यही ना लोगों ने 6 साढ़े 6 साल में 7 साल होने वाले देख लिया। और इस सब का क्रेडिट, इन सब चीजों का क्रेडिट मैं अपने हिंदुस्तान के अपने एसलीपीएस परिवारों को देता हूं, जो मेरी आत्मा में बसते हैं, जिनके लिए एसलीपीएस का मैनेजमेंट किसी भी हद तक जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। तो इंडस्ट्री को साफ सुथरी रखो, अपनी चलाओ यार, अब सबके अपने अपने कस्टमर हैं, अपने अपने क्लाइंटेज हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लिए काम करो, भारत के अंदर इसका पॉजिटिव नजरिया पैदा करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहां पर एम्प्लॉयमेंट पा सके, किसी भी कंपनी में पाए और अपना कैरियर बनाए, और हिंदुस्तान की गरीबी को दूर करने में सहयोग करो, देश की इकोनॉमी में सहयोग करो, अरे दिल से करो, दिल से भाई साहब, दिल से किया गया काम कभी खराब नहीं हो सकता। आज ऐसे ऐसे रिजल्ट हिंदुस्तान में आते, ऐसे ऐसे रिजल्ट आते, तो मैं कई बार लीडर आके रिजल्ट बताता, मैं कहता हूँ बेटा ये रिजल्ट तेरी वजह से आया है, क्योंकि तूने आत्मा से प्रोडक्ट दिया, मेरे प्रोडक्ट बनाने से नहीं आया, क्योंकि जब तू प्रोडक्ट किसी को देता है तो तुझे अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, ऊपर वाले पे भरोसा है, कहता है भगवान इसकी ये परेशानी, ये दिक्कत, ये तकलीफ सही हो जाए, तब ये रिजल्ट आता है। इतिहास 6-7 साल में बदलता जा रहा है, नेगेटिव इमेज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, मार्केट पॉजिटिव होता जा रहा है, लोगों का नजरिया बदलता जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, एसलीपीएस परिवार के फाइटर्स, शेरों,
मैं क्या आपको उपाधि दूं, वो कहा मैं आप लोग अलग हो, आम लोगों से अलग हो, आम कंपनियों के लीडर से बिल्कुल अलग हो, क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें ईमानदारी है, सच्चाई है, आप लोग लोगों की भलाई करना चाहते जानते हो, भलाई करते हो, जो वो कहते हैं जैसा बोगे वैसा काटोगे, ऊपर से नीचे तक हमारी कंपनी में सेम सिस्टम है। और जो लीडरशिप है आज स्लीपियस वेलनेस की, उसके बारे में तो बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो सारी दुनिया देख रही है कि कितने अच्छे इंसान हैं, कितने महान लोग इस कंपनी के लीडर हैं जो लोगों को लीड कर रहे हैं। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि आप लोग ना किसी के बारे में गलत मत बोलना, कोई अपने बारे में कितना मर्जी गलत बोले आप लोग कभी मत बोलना, क्योंकि इससे क्या होता है जो बाहर का मार्केट है वो नेगेटिव होता है। जो फ्रेशर्स आके बेचारे नेटवर्किंग करना चाहते थे, कैरियर लगाना चाहते थे, वो एक कुत्ता बिल्ली की जब लड़ाई देखते तो कहते हैं यार ये कैसी इंडस्ट्री है, कैसे घटिया लोग हैं, ये आगे रोज फेसबुक पे उल्टा सीधा एक दूसरे के लिए बोलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी इंडस्ट्री खराब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों का भरोसा तोड़ रहे हैं। तो एसलीपीएस परिवार से मेरी हमेशा गुजारिश रही है, बेटा हम टॉप हैं, टॉप ही रहेंगे, ठीक है, हमें किसी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, लोग हमारे बारे में बातें करेंगे अपने आप ही, क्योंकि हम सिर्फ मेहनत करनी जानते हैं, काम करना जानते हैं, दिन रात एक करना जानते हैं, हम लोग अलग हैं। तो हमारी कंपनी का कोई भी लीडर या फ्रेशर किसी के बारे में कभी फेसबुक वेसबुक पे आके मत बोलना, अच्छा नहीं लगता। जिसको जो बोलना है बोलने दो, ऊपर वाला जानता है या एक सच्चे इंसान का आत्मा और दिल जानता है कि स्लीपियस वेलनेस कैसे काम करती है, कैसे किया है और आगे कैसे करेगी। अब बात करते हैं ये दिल मांगे मोर। तो आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का समर्पण समय समय पर कुछ मुझे करने के लिए मजबूर करता रहता है कि कुछ अच्छा करो, कुछ कोशिश करो कि और अच्छा हो जाए, और अच्छे हमारे लोग अचीवमेंट प्राप्त करें, और जल्दी प्राप्त करें, और जल्दी आगे निकलें, और जल्दी अपने परिवार में करोड़पति अरबपति बने और अपनी जिंदगी की सारी खुशियां पाएं, उनके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएं। तो ये दिल मांगे दौर में दोस्तों, ये दिल मांगे मोर में कुछ प्लान के अंदर में प्लस लेके आया हूं, प्लस प्लस प्लस, एसलीपीएस काटने में नहीं बांटने में भरोसा रखती है, प्लस लेके आया हूं कुछ ज्यादा और ज्यादा। क्योंकि कई बार लीडर से बात होती है जो मेन मेन अचीवर लीडर से है, उन्होंने कहा सर कुछ ऐसा अगर हो जाए तो और ज्यादा लोग अचीवमेंट प्राप्त करेंगे, जल्दी प्राप्त करेंगे। तो कुछ हमारे डिस्कशन हुए तो उससे निष्कर्ष निकला कि यार हाँ कंपनी अगर थोड़ी सी और दे दे और दे दे तो लोग बहुत स्पीड से ग्रोथ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दिल मांगे मोर की पहली खबर, आपका प्लान जो पहले परचेज प्लान अलग था, परचेज करके आपको एक सेल्स इंसेंटिव और सेल्स बोनस मिलता था और वहीं से आपके रैंक होते थे, वहीं से आपकी अचीवमेंट होती थी, और रीपरचेज प्लान अलग था, वहां पर आपको एक अलग 1500 रुपए का इंसेंटिव मिलता था और उसके बाद वहां पर आपको सिर्फ क्या नाम है कंपनी टूर में आपका दिया हुआ एसपी डाला हुआ एसपी प्लस होता था, वो आज के बाद और अभी के बाद से बंद। अब परचेज एक, रीपरचेज एक। अब परचेस में जितने भी एसपी आप लेंगे और रीपरचेज जितनी आप करेंगे वो सब आपके सेल्स बोनस, सेल्स रैंक, सेल्स इंसेंटिव, दुबई, मुंबई, थाईलैंड सभी टारगेट्स, कंपनी टारगेट्स सब में प्लस होंगे। इसका फायदा सभी बेस लेवल के लीडर्स को जिनके कैपिंग नहीं है उनको बहुत स्पीड और बहुत ज्यादा ग्रोथ देगा, वो प्लस हो गया है। क्योंकि किसी ने ना एक दिन मुझे वो दे दी कैलकुलेशन एक लीडर ने, संजीव सर ये देखो अगर मुझे टोपाज बनना है 212 इस तरफ और 106 अगर मैं डालता हूं, 106 100 एसपी की मैं 100 एसपी की प्लेसमेंट करता हूं, 106 लोग की 106 आईडी की परचेज होती है मेरे यहां पर दूसरे में और मैं टोपाज बनता हूं तो टोटल होते 360,000 रुपए प्लस थाईलैंड। तो इसका मतलब सर पर 100 एसपी मेरा जो रेट निकल के आया मैथमेटिकली कैलकुलेशन से वो 3200-3300 का निकला, लेकिन सर जब रीपर्चेज में 100 एसपी मैच हो रहे हैं तो रेट 1500 निकल रहा है। तो सर देख लो एक बार, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो धमाका हो जाएगा मार्केट में। मैंने यार क्या देखना है, पैसे तो देना है, ज्यादा तो देना है, कम तो देना नहीं, करो प्लस। समझ गए होंगे अगर आप टोपाज बनते हैं 212 106 अगर इधर करते हैं तो 360,000 के आसपास का आपका पे आउट निकलता था, मतलब पर 100 एसपी रेट जो निकलता था 3200-3300 रुपए। और अगर रीपरचेज में हम 100 एसपी का प्लस करते थे, 100 एसपी की मैचिंग करते थे तो रेट निकलता था 1500 रुपए।
आज के बाद वो प्लस हो गया, मतलब 1500 का सीधा 3000 हो गया। अब वो एसपी आपके पूरे प्लान के जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे वो रैंक हो, चाहे बोनस हो, चाहे इंसेंटिव हो, चाहे कंपनी टारगेट हो, चाहे अपना ट्रिप्स हो, रिवार्ड्स हो, सब में प्लस हो गए, मतलब डबल हो गया। रिपर्चेस भी परचेस के साथ मिक्स हो गई और डबल हो गया। और जिनकी कैपिंग लगी है, जिनको ये है कि यार रिपर्चेस में मुझे 3 लाख रुपए हफ्ते की कैपिंग लगनी थी, तो उनको पता है उन्हें क्या मिल गया, उनको भी कंपनी ने और प्लस कर दिया। जिनकी कैपिंग लगी है उनको, वो डायमंड मीटिंग हुई थी, उनमें उनको बता दिया गया कि बेटा 150 से ऊपर जितने भी तुम भेजोगे, कंपनी पर 100 SPs 100 रुपीज निकालेगी और उन सबको बांट देगी जिनके 150 से ऊपर एसपी जा रहे हैं, जिनके कैपिंग से ऊपर एसपी जा रहे हैं। स्टार परफॉर्मेंस बोनस, प्रीमियम स्टार परफॉर्मेंस बोनस वो हमने बनाया, उन्हें भी बहुत फायदा हो गया, उनका भी 3 लाख से 6 लाख रुपए का वीक हो गया। आज 24 लाख रुपए वीक एक कैपिंग से ऊपर जा जाके एक लीडर कमा सकता, उन्हें भी डबल धमाका हो गया। और तीसरा अपडेशन ये है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सर मैं तीसरे में भी मेहनत कर लूं और मुझे और मिले, मेरा कुछ कटे ना और बटे, तो कंपनी ने कहा भैया तीसरा डायरेक्ट अगर सेल्स इंसेंटिव मिला, चाहे सेल्स बोनस मिला, अगर लाएगा तो भी कंपनी अपने जितने एसपी कंपनी में, मान लो आज 6 लाख SP आते हैं, 10 लाख SP आते हैं, इंटू 100 रुपए, इसका मतलब 1 करोड़ रुपया कंपनी उन लोगों को बांट देगी जितने जिनके तीसरे डायरेक्ट में 100 SP एंड अबव की सेल जिन्होंने की है, वो चाहे परचेस की हो, परचेस की होगी या रिपर्चेस की हो, उसे कंपनी वो 1 करोड़ रुपए उनमें उनके अंदर बांट देगी। और उसकी कैपिंग वो 100 SP 10,000 के भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी कैपिंग है 15,000 कि वो 100 SP 15,000 से ऊपर की उनकी कैपिंग नहीं होगी। और उसको और डीपली अगर आपको डिस्कस करना हो, वैसे तो आपको पता चल गया होगा, मुझे पता है डायमंड मीटिंग बहुत दिन पहले होगी, आपके लीडरों ने बढ़िया से बता दिया होगा, लेकिन मेरा बताना भी आपको जरूरी था क्योंकि अब डबल धमाका करना है। 1500 से 3000 रुपए 100 SP की वैल्यू हो चुकी है परचेज से रिपर्चेज को परचेज में मिक्स करके, तो अब हमें भी डबल धमाल करना। तो ये कुछ अपडेशन हुए हैं। उसके बाद आज मैं कुछ प्रोडक्ट भी आपके लिए लाया हूँ, अच्छे प्रोडक्ट, यूजेबल प्रोडक्ट, घर चलाने के, जिंदगी चलाने के प्रोडक्ट लाया हूँ और कुछ जिंदगी बचाने के प्रोडक्ट लाया हूँ, और ऐसे प्रोडक्ट जिनका आपको बहुत सालों से इंतजार था। देखो दोस्तों, प्रोडक्ट लाने को ना मैं एक रात में 100 प्रोडक्ट ला दूं, 200 ला दूं, कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं है। कचरा बेचना कोई फायदा नहीं है, इंडस्ट्री के अंदर वही काम करना जो दुनिया करके निकल चुकी है या दुनिया कर रही है, वही नेगेटिव इमेज पैदा करना, वो अपने से ना हुआ था, ना हुआ है और ना कभी जीवन में होगा। चाहे प्रोडक्ट आए 2 महीने में, प्रोडक्ट आए 8 महीने में, प्रोडक्ट आए 3 महीने में, कोई नहीं, कंपनी की सेल कम आ रही है, लोगों की अचीवमेंट्स तो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, और आएंगी, लेकिन जो भी लाएंगे थोक बजा के लाएंगे। एसलिपियस वेलनेस का हर प्रोडक्ट डेमो प्रोडक्ट होना चाहिए। वर्ल्ड में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग आज तक हुई है, उन कंपनियों का 1 प्रोडक्ट डेमो प्रोडक्ट होते हैं, 2 प्रोडक्ट डेमो प्रोडक्ट होते हैं। एसलिपियस के 81 प्रोडक्ट है, 81 के 81 डेमो प्रोडक्ट है, और आने वाले समय में जो 81 आएंगे वो भी डेमो होंगे। हर प्रोडक्ट डेमो प्रोडक्ट होगा, जो एक बार यूज करेगा बार बार आपसे मांगेगा, वो सोच के साथ हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रोडक्ट, सुपर वो राइस ब्रेन ऑयल जो कि आपको सेम एसलिपियस की ही बोतल में मिलेगा। राइस ब्रेन ऑयल क्यों? क्योंकि लोगों ने मुझसे कहा कि सर जब आप जिंदगी चलाने के प्रोडक्ट ला रहे हैं तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लाएं जिनकी वजह से इंसान बीमार होता है, जिसकी वजह से घर में तकलीफें आती हैं, जैसे कि आपको पता है रिफाइंड ऑयल के कितने साइड इफेक्ट्स हैं, कितने परेशानी है। और जो राइस ब्रेन ऑयल होता है ये इनरिच होता है ओमेगा 3 एसिड से, ओमेगा 3 ओमेगा 6 एंड 9 फैटी एसिड से, ओमेगा 3 और 6 और 9 फैटी एसिड से इनरिच्ड ऑयल होता है, और ये शरीर में ब्लड के क्लॉट्स नहीं बनने देता, कोलेस्ट्रॉल डेवलप नहीं होने देता, क्योंकि आजकल जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको पता है घटिया तेल खाने से आती हैं। तो लोगों ने कहा सर हर घर में तेल खाया जाता है, 4 से 5 लीटर हर घर में तेल खाया जाता है, तो इस प्रोडक्ट पे आप R&D करो, इस प्रोडक्ट पे आप मेहनत करो, इस प्रोडक्ट को आप कैसे भी लेके आओ। तो ये प्रोडक्ट आपको 29 तारीख से सभी वेयर हाउसेज में पहुंच जाएगा और मिलने लगेगा, और ये हमेशा आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा, और इसकी कीमत 1 लीटर की 229 रुपए ही है, जो कि
बाजार का रेट है। और ये तो आपको पता ही है, अगर हम ला रहे हैं तो बेस्ट राइस ब्रेन ऑयल ऑफ इंडिया होगा। अगर हम ला रहे हैं तो एसलीपियस वेलनेस ला रही है, तो अब क्या होगा कि हमारे लोग कम से कम गंदा तेल नहीं खाएंगे, अच्छा तेल खाएंगे, और हम हिंदुस्तान के लोगों को भी, समाज के लोगों को भी इस तेल के लिए प्रेरित करेंगे। ये हुआ फर्स्ट प्रोडक्ट। अब आते हैं आज के सेकंड प्रोडक्ट पे, टू शाइन डिटर्जेंट पाउडर। कपड़े धोने का डिटर्जेंट पाउडर 1 kg के अंदर ये है मेरे दोस्त। और मैं तो ये कहता हूं, जो प्रोडक्ट मैंने अभी लॉन्च किए, आई ड्रॉप लॉन्च किया, कैसा रिजल्ट है डालो कमेंट में। अगर बेकार है तो लिखो बेकार प्रोडक्ट है आपका, नीम तुलसी लॉन्च की, लिखो लिखो कि नीम तुलसी में मजा नहीं आया सर। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट 6-6 महीने 8-8 महीने R&D में पड़े रहते हैं, बार बार आते हैं। अब इनसे मेरे ऑफिस के कम से कम मेरे ऑफिस में 50 बार तो मेरे स्टाफ ने कपड़े धो लिए, हर बार नया सरफ, ने जब तक सरफ पास नहीं हो गया। बेस्ट सरफ ऑफ इंडिया है दोस्तों, यूज करेंगे कमेंट करना फिर कि संजीव सर क्या चीज बना के दी। टू शाइन डिटर्जेंट पाउडर, कीमत कीमत कहां इसकी, इसकी कीमत है मात्र 135 रुपीज 1 kg। यूज करो और हर घर को यूज कराओ। इतने जबरदस्त प्रोडक्ट बनाएंगे, हर घर को कंज्यूमर बना के नेटवर्किंग करवाएंगे, हर घर को हिंदुस्तान के हर घर में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करेंगे, हिंदुस्तान के हर घर की अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे। उसके बाद तीसरा प्रोडक्ट आज का, बाथ वेदा ग्लिसरीन एंड नेचुरल ऑयल बार। अब वो जैसे पहले एक ही उसमें आ रही थी, उसमें नहीं, अब ये तीनों अलग अलग एक पैक में आ गई है। आप किसी को रिटेल में भी दोगे तो आपको अब दिक्कत नहीं आएगी। 125 ग्राम बाथ वेदा ग्लिसरीन एंड नेचुरल ऑयल बार, इट्स एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक एंड नेचुरल डिओड्रेंट से बनी, नेचुरल डिओड्रेंट इसमें यूज किया गया है, व्हीट जर्म ऑयल इसमें यूज किया और विटामिन ई से इंग्रेडिएंट नेचुरल मॉइस्चराइजर है। जैसे अब सर्दी आ जाएंगी तो ये ग्लिसरीन सोप आ चुकी है, 125 ग्राम की 300 का पैक है। कितने का फिर मैंने कहा, घर चलाने के प्रोडक्ट होंगे, जिंदगी चलाने के होंगे, तो वो जिंदगी चलाने के प्राइस में होंगे, बेस्ट क्वालिटी में होंगे, बेस्ट पैकिंग में होंगे। 169 रुपीज, ओनली 169 रुपीज। इसके बाद चौथा प्रोडक्ट, इजी स्वीप। इजी स्वीप मीन्स हमारे घर में को साफ सफाई करने के लिए, पोचा लगाने के लिए जो हम बाजार से प्रोडक्ट लेते हैं उसकी जरूरत नहीं है। ये 500 ml का है, मात्र 89 रुपीज। जब आप घर में पोचा लगाएंगे और इसकी महक जब आपको आए तो मुझे कमेंट करना कि सर क्या चीज बनाई है, पूरा घर महक जाएगा दोस्तों। उसके बाद बहुत दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे, मैं फरवरी में गोवा आया था तब मैंने इसके बारे में बताया था, हाइट केयर। हाइट केयर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में सहायक पेटेंटेड प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से पेटेंट लिया हुआ प्रोडक्ट बन के आ चुका है हाइट केयर। इंसोमनिया, अनिंद्रा में, मिर्गी में, पागलपन में, उक्त रक्तचाप में, सब में सहायक है। ब्रेन को रिलैक्स रखेगा, नींद अच्छी आएगी, और जो बीपी से परेशान लोग हैं उनकी परेशानी में बहुत अच्छा काम करेगा। पेटेंटेड प्रोडक्ट है दोस्तों, पेटेंटेड, पढ़िए पेटेंटेड, भारत सरकार का पेटेंटेड प्रोडक्ट। का पेटेंट लिया है तो कुछ तो बनाया होगा, कई सालों में बना होगा, ये भी आपके लिए आ चुका है। उसके बाद जिंक, जिंक, जिंक क्या करती है, इन्फेक्शन से फाइट करती है, कोल्ड कफ से फाइट करती है, अस्थमा से फाइट करती है, लंग्स के इन्फेक्शन को से फाइट करती है, स्किन इन्फेक्शन रेसिस में फायदेमंद है, नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखता है, बूस्ट। और ये हाइट केयर कितने का, ये नहीं बताया मैंने, 789 रुपीज शायद, एक मिनट, 789 रुपीज के 60 कैप्सूल है, और जिंक मात्र 307 रुपए के 60 कैप्सूल है। एक बार जिंक यूज करिएगा, मजा आ जाएगा, कहेंगे मैं डेली यूज करता हूं कि हाँ सर कोई आपने प्रोडक्ट बनाया। तो आज ये 6 प्रोडक्ट आ रहे हैं, और ये 6 के 6 प्रोडक्टों में जो राइस ब्रेन ऑयल है ये 29 को मिलेगा, बाकी सारे प्रोडक्ट आपको 20, 21, 22 से शुरू हो जाएंगे, आपके फ्रेंचाइजी में पहुंचने शुरू हो जाएंगे। जो फ्रेंचाइजी से मिलेंगे और जो एडमिन से मिलेंगे वो एडमिन में आ जाएंगे, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब बात दूसरी करते हैं दोस्तों, बिजनेस डेवलपमेंट की।
देखिए बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द इजिएस्ट बिजनेस इन दिस वर्ल्ड, पर इसमें एक काम करना, ये प्रोडक्ट तो घर घर पहुंचाना ही है, यूज करना ही है, लेकिन बिजनेस भी तो डेवलप करना है, उसमें एक काम जरूर करना, बेसिक कभी मत छोड़ना। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ना जितने भी लोग टीम बना लेते हैं वो कामयाब नहीं होते, जो टीम को संभालते हैं वो कामयाब होते हैं। यहां टीम बनाना आसान है, 100 की टीम, 150 की टीम, 200 की टीम, 250 की टीम, टीम संभालना मुश्किल है। और टीम संभालने में क्या क्या लगती है, रिलेशनशिप, एजुकेशन एंड केयरिंग, हर आदमी का ध्यान रखना, हर फ्रेशर को अपने बच्चे की तरह समझना, जो नए नए इस बिजनेस में, जैसे हम अपने बच्चे को पाल के उसके बड़ा करते, उसको बड़ा करना, उसको एजुकेट करना जैसे अपने बच्चों को करते, उसको मैच्योर करना, उसे मोहब्बत बना के रखना, प्यार बना के रखना। दोस्तों ये बिजनेस प्यार का बिजनेस है, मोहब्बत का बिजनेस है, नफरत का बिजनेस नहीं है। या बॉस मत बना करो, रैंक हासिल करके मैं बॉस हो गया, ये मेरे गुलाम है, या कोई गुलाम नहीं है। एवरीबॉडी इज इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। ये अपलाइन डाउनलाइन सिर्फ यहाँ पर एक रिगार्ड है, ये गुरु भक्ति यहाँ पर एक रिगार्ड है, लेकिन जो सच्चाई इस बिजनेस की है कि हम सब एक है, हम सबका मिशन एक है, हम सबका विजन एक है, हम सब साथी हैं, हम सब मिलकर दुनिया जीतेंगे, अकेले अकेले नहीं जीत पाएंगे। तो इसका मतलब जब मिलकर जीतेंगे तो मिलकर रहना भी है। दूसरा, कभी डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करने के लिए कोई झूठ बोल के एसलीपीएस वेलनेस में काम मत करो, किसी कस्टमर को झूठ मत बोलो, सच के साथ काम करो। बिजनेस थोड़ा कम होगा लेकिन ठोस होगा, मजबूत होगा, लॉन्ग लाइफ होगा। हमेशा सच बोल के प्रोडक्ट दो, हमेशा सच बोल के बात करो, झूठ मत बोलो। नहीं चाहिए ऐसा पैसा जो झूठ के साथ आता हो, नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की बद्दुआ मत लो, दुआएं लेके बिजनेस करो, लोगों की दुआएं आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती हैं दोस्तों। तो कृपया एसलीपीएस वेलनेस में एक बल्क वल्क मत बेचा करो, किसी को घुमा फिरा के प्रोडक्ट मत दिया करो यार, जो भी इतने अच्छे प्रोडक्ट है इनके डेमो करके दे दिया करो तो लोग खरीद लेंगे। और जो भी टीम अब आप बनाते हो आज के बाद, बस मेरा एक छोटा सा मैसेज मैं आपको दूंगा, जो भी लोगों को आप इस बिजनेस में लेके आते हो, सपने दिखा के एक फ्रेशर को लेके आते हो, उसको नेटवर्कर कैसे बनाना है, बस ये प्रोसेस आज मैं आपको बताऊंगा, और वो चलेगा बेसिक से। आप जैसे थोड़े लीडर बन जाते हो ना, बस स्टेज पे आते हो, 4-5-10 डायलॉग मारे चले गए, बेसिक एजुकेशन भूल जाते हो। दोस्तों बेस खत्म होगा तो बिल्डिंग अपने आप खत्म होगी। और हमारे बेस कौन है मालूम है, जो हर हफ्ते फ्रेशर्स आते हैं, वो है हमारा बेस। हमारा जो नेटवर्क बना हुआ है, उस नेटवर्क को संभालते रहना और उसमें ऊंचाइयां हासिल करते रहना, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनेगी, तब तब बेस मजबूत होगा। जो फ्रेशर आ रहा है हमारा, वो फ्रेशर का माइंड नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए कन्वर्ट होगा। उसका तरीका क्या है, बृहस्पति को फ्रेशर एक्टिव हुए, फ्राइडे को उनकी ट्रेनिंग कर दो या उनकी काउंसलिंग कर दो, और डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है ये उन्हें समझा दो, इसकी इंपॉर्टेंस समझा दो, इसका पोटेंशियल समझा दो, ये कैसे की जाती है समझा दो, बस कन्वर्ट कर दो। फ्रेशर जितने कन्वर्ट होते चले जाएंगे नेटवर्क में, उतनी आपकी टीमें बड़ी बनती जाएंगी, आपका बेस मजबूत बनता जाएगा। इसलिए बेसिक से बाहर मत हो। दूसरा, एक्सेप्ट मत करो कि वो फ्रेशर आके आपकी तरह काम करेगा। वो फ्रेशर है यार, बच्चा है, 9 महीने का पैदा हुआ है, उसको केयरिंग करो, पालो, प्यार दो, फीड करो, एजुकेशन दो, मैच्योरिटी दो, धीरे धीरे सिखाओ, एकदम से उसके पीछे मत पड़ो कि पता नहीं वो पूरी दुनिया पलट के दे देगा। उसको काम सिखाओगे तभी तो काम करके आएगा। अब आप कहते हो सर वो पॉजिटिव हो गया, वो नेगेटिव हो गया, अरे भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव कोई नहीं हो रहा। जिसको रिजल्ट नहीं आ रहा वो नेगेटिव है, जिसको रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव। रिजल्ट किसको आता है, बच्चा 100 में से 100 नंबर का याद करके जाएगा तो जीवन भर पॉजिटिव रहेगा, और 100 में से 10 नंबर का याद आएगा तो नेगेटिव रहेगा। मैथ का पेपर है, मुझे 100 में 100 का याद है मैं पॉजिटिव होकर जा रहा हूँ, मुझे 100 में से 10 का याद है मैं नेगेटिव होकर जा रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, एक कस्टमर के पास जाके अगर मैं उसे कन्वर्ट करने में सक्षम हूँ, उसको ऑब्जेक्शन में सोल्यूशन दे सकता हूँ, उसकी ना को हाँ में बदल सकता हूँ, बार बार रिजल्ट ला सकता हूँ, मुझे दुनिया में कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। और जब मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा तो दुनिया मुझे कोई पॉजिटिव नहीं कर सकता। अब ये रिजल्ट कौन लाएगा, जिसको एजुकेट करोगे। इसलिए एसलीपीएस वेलनेस हमेशा फोकस्ड ऑन एजुकेशन है। ये कंपनी मोटिवेशन पे फोकस ही नहीं करती, 100% एजुकेशन पे फोकस करती है। हम अपने हर व्यक्ति को इस लेवल की एजुकेशन देंगे कि एसलीपीएस के लीडर जहां भी जाएंगे, हमारे पास से भी अगर चले गए ना, तो जहां जाएंगे वहां भी दुनिया सलाम करेगी कि किसी कंपनी की एजुकेशन लेके आए, किसी कंपनी से सीख के आए। और जाने वाले
जाते रहते हैं आते रहते हैं, ये ट्रेन है, चढ़ते रहेंगे उतरते रहेंगे, फेलियर ही है एस्लीपियस वेलनेस में। कोई अच्छा इंसान, कोई सच्चा इंसान एस्लीपियस वेलनेस से कभी दूरी बना ही नहीं सकता, उसकी आत्मा गवाही दे ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। अगर वो इस माहौल में रहा है उसकी आत्मा गवाही दे, अगर किसी की दे रही है तो भाई पता नहीं उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी सोच और समझ कैसी है। और हमें ध्यान देना है जो हमारे साथ आते हैं उन पे, जो हमारे हर हफ्ते हमारे साथ आते हैं उन पे ध्यान दो दोस्तों, उन पे ध्यान दोगे वो लोग आपको बहुत बड़ा बना देंगे। ये पब्लिक बिजनेस है, पब्लिक के साथ किया जाता है, इंडिविजुअल बिजनेस नहीं है। हम सबको मिलके मेहनत करनी होती है, मोहब्बत के साथ करनी होती है, प्यार के साथ करनी होती है, नफरत के साथ नहीं करनी होती। तो आज के लाइव सेशन में एक बात मैंने बताई, डबल हो गया आपका चेक। जहां रिपर्चेस पे पर 100 SP आपको कैलकुलेशन में 1500 रुपया था, आप 3000 के करीब है। कैलकुलेशन खुद कीजिएगा, अपने अपलाइन के साथ बैठ के कीजिएगा। एक्स्ट्रा दिया और कंपनी ने और पैसा डाल दिया, डबल कैपिंग वालों के लिए और डाल दिया, तीसरा डायरेक्ट में अगर कोई करता है उसकी मर्जी है तो और डाल दिया, डाला है। क्योंकि एस्लिपियस काटने में नहीं बांटने में भरोसा रखती है। क्यों? क्योंकि एस्लिपियस के लोगों ने जो करके दिखाया, एस्लिपियस के फाइटर्स ने 6 साल में जिस कद और जो पद इस कंपनी ने पाया है उसकी सबकी वजह आप हो। और मुझे पता है वो सिर्फ हम सबकी मेहनत, नेक नियत और ईमानदारी की वजह से हम लोग यहाँ हैं। और बाबा से, ऊपर वाले बाबा से दुआ करते हैं कि ऐसे हमारा प्यार मोहब्बत बनी रहे और हमारे अंदर कभी भी ये कमीनेपन ना आए, लालच ना आए, घटियापन ना आए। हमेशा हम अच्छा ही करें और अपने लोगों के बारे में अच्छा ही सोचें। इस प्लान को जब लोगों ने 2014 में देखा था तो कहा था ये कभी ना कभी प्लान तो करना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल नहीं करूंगा जब तक आखिरी सांस है ना, यही चलेगा। ऐसे ही करोड़ों करोड़ों के लोगों के चेक बनेंगे, ऐसे ही हर महीने 20-20 गाड़ियां उठती थी, उठती हैं, आगे तो 200-200 भी उठेंगी। अभी तो देखो, अभी तो हमने शुरू किया है, 6.5 साल ही तो हुए हैं। जो 20 साल से कर रहे हैं वो भी देख रहे हैं, तो 6.5 साल हुए, तो आगे आगे देखो। अभी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी देखो, अगले प्रोडक्ट में क्या बताऊँ, जब लाऊंगा तभी बताऊंगा क्या क्या लेकर आ रहा हूँ। अब तो प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट आएंगे। दिसंबर, ये जो अपना 2021 31 दिसंबर तक इतने टॉप के क्लास प्रोडक्ट ला के दे दूंगा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं होंगे। एंड इसमें चैलेंज, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं होंगे। 2021 एस्लीपियस के प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मैं थोड़ा बिजी हूं, 2022 मार्केट करूंगा, 2022 और 2023 पूरी दुनिया में लॉन्चिंग करूंगा, पूरी दुनिया में। और अपने हर लीडर के नीचे, हर कंट्री में एक डाउनलाइन पैदा करूंगा, हर लीडर के नीचे। देखो तो सही, भारत के लोग जब भारत वाले दिल से काम करते हैं ना तो देखो दुनिया कैसे जीतते हैं। तो दोस्तों आप चेक डबल कर दो, डबल मिल गया है। और जोधपुर जैसलमेर 22 तारीख को खत्म है, भगवान की दया से अगर कोविड वोविड नहीं आया हम लोग घूमने जाएंगे, बाबा की कृपया हम सब पे रहे। तो बहुत दिन हो गए हम लोग घूमे नहीं है, हम घूमने भी जाएंगे। तो जे टूर ठोक दो बढ़िया तरीके से। आज अगर मेरे लाइफ के बाद भी तुम्हारे अंदर आग नहीं लगी ना तो कोई फायदा नहीं, ठीक है? नहीं सोना नहीं है 22 तारीख तक, सुपर डुपर रिकॉर्ड ब्रेक करना है, रिकॉर्ड ब्रेक। और जोधपुर जैसलमेर एक लग्जरी ट्रिप करा के लाऊंगा, खूबसूरत ट्रिप, आप लोग खुश हो जाओगे कि सर मजा आ गया, बहुत दिनों बाद घूमने को मिला है। ऊपर वाले से दुआ है कि भगवान कोविड ना आए, वैक्सीनेशन फटाफट हो जाए, जिसमें हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। और दोस्तों लव यू सो मच, आप जैसा कोई नहीं, आप जैसी लीडरशिप किसी के पास नहीं। बहुत सौभाग्य है मेरा इस जीवन में कि आप लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। ये जो मुझ में देने की इच्छा आती है, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। ये इच्छा सिर्फ आप लोगों की वजह से आती है, ये हिम्मत, ये जज्बा आप लोगों की वजह से आता है। ये जीवन आप लोगों के लिए, आप लोगों के नाम, ऐसे मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, दिन रात मिल के चलते रहेंगे और पूरी दुनिया के अंदर एस्लिपियस वेलनेस का नाम करेंगे और सम्मान भी पैदा करेंगे और मोहब्बत भी बांटेंगे, पैसा भी बांटेंगे और प्यार भी बांटेंगे। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, ऑल द बेस्ट फॉर जे जे, थैंक यू।